Now coming to question number 4. How many sides does a regular polygon have if each of the interior angle is 165 degree? क्वेश्चन में बोला गया है रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी अगर हमारा इंटीरियर एंगल जो है वो 165 डिग्री है. सो हम सपोज कर लेते हैं एंगल एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 22 गिवन है और इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं. दैट मींस एंगल 1 बी द एक्सटीरियर एंगल. ये वाला एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. सो इसको हम डी नाम दे देते हैं. सिंस बी ए डी इज अ लाइन. बी ए डी क्या है? एक लाइन है. सो एंगल ए प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा. दैट मींस एंगल ए है हमारा 22 डिग्री एंड एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल 1 को हम यही रहने देते हैं 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री. दैट मींस हमारा एंगल 1 आ जाएगा 158 डिग्री. सो इन अ पॉलीगन इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है इंटीरियर एंगल. That is 165 degree. Now, by linear pair, interior angle plus exterior angle equals to 180 degree. जो मैंने आपको अभी ऊपर प्रूव करके दिखाया. So हमारा interior angle है 165 degree और exterior angle को हम as it is रहने देते हैं. Equals to 180 degree. So exterior angle equals to 180 degree minus 165 degree. That means हमारा exterior angle आ जाएगा 15 degree. Now let number of sides be 10. So in a regular polygon sum of the exterior angles equals to 360 degree. That means exterior angle into number of sides equals to 360 degree. हमारा exterior angle है 15 degree into n equals to 360 degree. Now n निकाल लेते हैं. 360 degree upon 15 degree. 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 0 का 0, 5 2s are 10 and 5 4s are 20. That means जो हमारा n है वो कितना है? 24. Therefore polygon has 24 sides.